नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पहले भाजपा पार्षद को फोन से धमकी मिलती है और उसके बाद संघ प्रचारक को भी बदमाश फोन पर गला काटने की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू। मामला इंदौर के भवरकुआ थाना क्षेत्र का है, जहां केसी यंत्र नगर में रहने वाले आरएसएस से जुड़े राहुल सेंगर अपने घर पर बैठे थे कि तभी उन्हें अनिल पाल नामक व्यक्ति के फोन से फोन आता है और शरीर से गला अलग करने की धमकी दी जाती है और दोबारा से स्कूल न आने की धमकी दी जाती है। इस पूरे प्रकरण में जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग धमकी देने वाले व्यक्ति ने किया है, जिसके आधार पर पुलिस ने एसटीएससी सहित धमकी की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। तो वहीं धमकी देने वाले फोन नंबर के आधार पर अनिल पाल नामक व्यक्ति की तलाश की जा रही है, जो कि मूल रूप से रानीबाग कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है और एक स्कूल संचालक है। बताया ये भी जा रहा है कि 22 दिसंबर के दिन स्कूल में एक कार्यक्रम था और कार्यक्रम के दौरान ही रस से जुड़े राहुल स्कूल पहुंचे थे और वहां पर कार्यक्रम को लेकर उनसे कुछ कहा सुनी हो गई थी और इसी बात को लेकर धमकी दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आरोपी की तलाश में जुटी हुई है, तो वहीं जांच की जा रही है। भवरकुआ थाना क्षेत्र में कल एक मामला सामने आया, जिसमें राहुल सिंगर नाम के फरियादी के द्वारा बताया गया कि उन्होंने 22 तारीख को एक स्कूल है लिटिल बॉल करके, वहां पर क्रिसमस के सेलिब्रेशंस की तैयारियां चल रही थी, जिसकी विरोध और आपत्ति जताई थी उनके द्वारा, जिस पर से उनका कुछ विवाद स्कूल संचालक से हुआ और संचालक के द्वारा बाद में फोन करके इनसे अभद्र भाषा में बात करी गई, इनको जान से मारने की धमकी दी गई। इसकी रिपोर्ट पर से मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसमें आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई, गिरफ्तारी करके उनको वैधानिक कार्रवाई की गई है। लिटिल पॉल स्कूल नाम है और आरोपी अजय पॉल है। सर, किस तरह की धमकी दी और क्या मंशा जाएगी थी कॉल पर उसने मोबाइल पर धमकी दी? अपशब्दों का प्रयोग किया गया था और जान से मारने की धमकी दी गई थी। सर, गला काटने की धमकी दी थी, इस तरह की धमकी को लिखा है? जो कॉल है उसकी रिकॉर्डिंग्स अभी विवेचना में ली गई हैं, उसकी जांच की जा रही है, उसमें जितनी भी प्रकार की चीजें हैं वो सामने आ रही है, उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाए। टाइम न्यूज़ देखिए अब